सीधा मुकाबला सिर्फ बीजेपी कांग्रेस या कहीं ना कहीं पार्टी जानती है कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा, मतलब इस बात को आप स्वीकारते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले के जो आसार हैं वो दिखाई देते हैं? अभी भी हमारा मुकाबला सिर्फ कांग्रेस के साथ होगा। जिस पार्टी की आप बात कर रहे हो उसका अकाउंट नहीं खुलेगा, ये मैं आप सबके सामने आपको प्रमिस करता हूँ। अच्छा, जिस पार्टी का लेकिन आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस का, उसने भी पिछली बार अच्छी टक्कर दी, मतलब कड़ी टक्कर दी। वो खुद मानती है कि ठीक है इस बार थोड़ा हो सकता है प्रचार प्रसार की रफ्तार तेज करने की जरूरत है, लेकिन टक्कर तो उसने भी दे दी। कांग्रेस की अपनी ताकत नहीं थी, कुछ लोगों की ताकत थी, आंदोलन की बात थी, लोगों को किस तरह से बहकाया गया था, उसमें से एक अल्केश भी था, यहाँ बैठा है, और भी लोग थे। इन लोगों की ताकत के ऊपर आंदोलन चला, कांग्रेस के अपनी ताकत पर तो आंदोलन चला, उनको जो बेनिफिट हुआ वो बाय प्रोडक्ट है। वो अगर अपनी ताकत बना लेते तो हम जरूर उसका डर हमको पैदा हो जाता। अच्छा, कई राजनीतिक विश्लेषकों के दिमाग में, जहन में एक सवाल है, क्योंकि अब इस सेशन को खत्म करने का वक्त है, कह रहे हैं इतना प्रचार प्रसार या इतनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है इसलिए क्योंकि चुनौतियां पिछले से पिछले कई बार से जो सामना करना पड़ रहा है उससे कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि खलबली है और इसी खलबली के चक्कर में स्टार प्रचारकों की फहरिस्त जो है सबसे ज्यादा लंबी है। हमारे पास इतने अच्छे मेरिट वाले नेता है तो हम उसको प्रचार में डालना ही चाहिए, क्यों नहीं डालेंगे? पर हमारे पास अच्छे मेरिट के नेता है इसके लिए हम डाल रहे हैं। जिसके पास नहीं होगा उसकी सूची छोटी हो जाएगी, हमारे पास बड़ी है, ये हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आप CR पाटिल जी, सबसे चर्चित चेहरा, जो हमने कहा सुपर CM से भले ही परहेज करते हूँ लेकिन गुजरात जानता है कि बड़े फैसले और बड़ी नीतियाँ या जो रणनीति है और जो पूरे नेतृत्व का भार है सरापी के कंधों पर है फिलहाल, और देखते हैं जो नतीजे सामने आएंगे, उम्मीदों का काफिला कितना सफल होगा। हमारे जो हमने चाहा है वही होगा। शुक्रिया सबीना, और इस वक्त मैं अनुरोध करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी।